तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, जो कि है इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता। वैसे तो पास्ता एक इटालियन डिश है, लेकिन आज हम कुछ देसी मसालों का इस्तेमाल करके इसमें इंडो इटालियन टेस्ट का फ्यूजन करेंगे, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और हम इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का भी यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि ये बहुत हेल्दी भी बनेगी। वैसे पास्ता हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन खासकर बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप इस तरह से मैक्रोनी पास्ता बनाएंगे तो बच्चे खूब सारी सब्जियां भी इसी बहाने खा पाएंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, उसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम मैक्रोनी बॉईल करेंगे, जिसके लिए हम एक बर्तन में 1 लीटर के करीब पानी बॉईल कर लेंगे। अब हम इस पानी में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनी और मैक्रोनी को हम मीडियम फ्लेम पर ढककर अच्छा सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें मैक्रोनी को ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो वो टूटने लगेगी। मैक्रोनी को ढककर बॉईल होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो हम चम्मच पे एक मैक्रोनी को निकाल कर उसे हल्का दबा के देखेंगे। तो ये देखिए, मैक्रोनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम गैस बंद करेंगे और मैक्रोनी को एक स्ट्रेनर पे छान कर निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ एक स्ट्रेनर ले लिया है। अब हम इस पे मैक्रोनी को स्ट्रेन कर लेंगे और इसके बाद हम मैक्रोनी के ऊपर नॉर्मल पानी डाल देंगे, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो भी निकल जाए। अब हम मैक्रोनी को 5 से 10 मिनट तक हल्का ठंडा होने देंगे। तब तक हम इसकी बाकी की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। तेल अच्छा गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम हम यहाँ लो रखेंगे और इसके बाद हम इसमें ज़ीरा और सरसों के दाने डाल देंगे। अब हम इसको चला देंगे और ज़ीरा और सरसों के दाने को चटकने देंगे। ज़ीरा और सरसों के दाने अच्छे से चटक गए हैं। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन के बाद हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। और अब हम लहसुन और हरी मिर्च को तेल में 5 से 6 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। लहसुन और मिर्च फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड प्याज, और प्याज को भी हम तेल में मिक्स कर देंगे और हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे कि प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक ही फ्राई करना है। प्याज को लो फ्लेम पे फ्राई होते हुए करीब 1.5 से 1 मिनट हो गया है। प्याज हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हरी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गाजर। गाजर के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड फ्रेंच बीन्स, और फ्रेंच बीन्स के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड गरम कल्ला। गरम कल्ला ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड टमाटर, और इन सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी सब्जियों को मिक्स करने के बाद हमने जो सूखे मसाले लिए थे, हम उन सारे सूखे मसालों को भी इसमें ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर दोनों का ही इस्तेमाल किया है। अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। तो अब हम इन सभी सूखे मसालों को सब्जियों के साथ चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूखे मसाले मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा मटर। मैंने यहाँ फ्रोज़न हरी मटर यूज़ की है, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी बॉईल करके ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल्ड स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हरा धनिया। फिर उसके बाद इसमें जाएगा चॉप्ड हरा प्याज। हम यहाँ थोड़ा हरा धनिया और थोड़ी हरी प्याज गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार फिर अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे लो फ्लेम पे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी लिड हटा के देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी मसालों और सब्जियों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब्जियां भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें टमेटो केचप भी ऐड कर देंगे और इसे भी सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। आप इस स्टेज पे इसकी सीजनिंग चेक कर सकते हैं, और नमक या मिर्च अगर आपको कम लगती है तो उसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। टमेटो केचप मिक्स करने के बाद मैक्रोनी पास्ता का टैंगी, चटपटा और मज़ेदार सॉस बनकर तैयार है। अब हम इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी ऐड करेंगे और मैक्रोनी को भी हम इस सॉस के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे।
हमने बॉइल्ड मैक्रोनी को अच्छे से सॉस के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर करीब एक मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सॉस का फ्लेवर अच्छे से मैक्रोनी में आ जाए। मैक्रोनी पास्ता को लो फ्लेम पे पकते हुए करीब एक मिनट हो गया है। अब हम इसकी लिड हटा के देखते हैं। मैक्रोनी पास्ता से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसे एक बार चला देंगे और गैस को कर देंगे बंद। हम यहाँ इंडो इटालियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बना रहे हैं, तो हम यहाँ आखिर में एक और ट्विस्ट देते हुए अपना सीक्रेट इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे, जो कि है ओरिगैनो। ओरिगैनो की खुशबू और फ्लेवर मैक्रोनी पास्ता का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ हाफ टी स्पून के करीब ओरिगैनो यूज़ किया है। ओरिगैनो को मैक्रोनी में मिक्स करने के बाद इंडो इटालियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमने एक सर्विंग बोल में मैक्रोनी पास्ता सर्व कर लिया है। अब हमने जो चॉप्ड हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन बचाई थी, उसको भी हम मैक्रोनी पास्ता पे डालकर गार्निश कर देंगे, जिससे कि ये देखने में और भी अच्छी लगेगी। तो लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार है। हमने इसमें बहुत से मसाले और सब्जियों का इस्तेमाल करके इसे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तरीके से बनाया है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।